हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल चौधरी। तो आज हम बनाएंगे विश तहरी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुकर, जो कि बहुत जल्दी ही बन जाएगा। और यहाँ पे ये सारा सामान जिससे हम तहरी बनाएंगे, विश तहरी, जो कि है चावल, बासमती चावल आप लीजिएगा। लेकिन मैंने आज खीर बनाने वाला चावल लिया है, क्योंकि बासमती चावल हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी। ये गोभी, ये आलू, ये मटर और ये प्याज, ये टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, जिसे हम बारीक काट लेंगे। कुकर गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे तेल। सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है सब्जी, या फिर कुछ भी बना लें, सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा रहता है तहरी के लिए भी। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, ये प्याज और ये आलू। आलू थोड़ा भून लेंगे, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें। तो इसे 2 मिनट भून लेते हैं। आलू भून गई है, अब हम इसमें डालेंगे गोभी, टमाटर, हरी मिर्च के दाने और ये मटर के दाने। अब हम इसे भून लेंगे 2 मिनट तक। और 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट हम 2 मिनट सब्जी भून गए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर और ये लहसुन जिसे हमने बारीक काट लिया है। आप चाहे तो लाल मिर्च भी दे सकते हैं, हमारे यहाँ लाल मिर्च नहीं खाया जाता है पाउडर, इसीलिए हम लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे। और आप चाहे लहसुन नहीं खाते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं। और हम इसे मिला लेंगे और मसाले के साथ भूनेंगे 5 मिनट तक। ये देखिए मसाले 5 मिनट हमने भून लिए हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे चावल, जिसे हमने 15 से 20 मिनट पानी में फुलाया था। उससे ज़्यादा ना फुलाएं चावल को पानी में, नहीं तो आपकी तहरी गीली हो जाएगी। सारा चावल डाल दिया, अब हम इसे मिला लेंगे। इसे 2 मिनट तक भून लेंगे चावल के साथ। 2 मिनट हमने भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने चावल 2 ग्लास लिया था, तो हम उसी ग्लास से 4 ग्लास पानी डाल रहे हैं। ये देखिए हमने पानी डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़े गर्म मसाले। मार्केट का गर्म मसाला है तो हम थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर घर का गर्म मसाला हो तो थोड़ा सा दही डालें। और लास्ट है वो है घी 1 चम्मच, जो कि टेस्ट लाएगा बहुत ही सुंदर। अब हम इसे मिला लेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे, तेज आंच पे 1 सीटी लगाएंगे और गैस बंद कर देंगे। 1 सीटी आ गई है, अब हम इसे बंद कर देंगे और इसका हम आधा स्टीम निकाल देंगे। आधी स्टीम मैंने निकाल दी है, अब आधी में ये पक जाएगा, फिर हम इसे खोल के दिखाएंगे। ये देखिए स्टीम निकल चुका है, अब हम इसे खोलेंगे। ये मैं खोल रही हूँ, ये देखिए मैंने खोल दिया है। ये देखिए आप, सारा पानी सोक कर लिया है मैंने जितना डाला था। तो अब हम इसे नहीं छेड़ेंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे प्लेट में। तहरी ठंडी हो गई है, अब हम इसे चलाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में, और खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। अगर आपका मन मिठाई से, डेली के खाने से उब जाए तो आप इसे बना सकते हैं, झटपट बनने वाला तहरी। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में। ये देखिए हमारी तहरी बन गई है, अब हम इसे खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में।